जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में पैन अफ्रीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। पैन अफ्रीक इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं कि फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली एक बहुत ही शानदार कंपनी है। फाइनेंस के सेक्टर में सामान्यतः जो कंपनियां काम करती हैं शानदार ही होती है, क्योंकि आपको पता है जो फाइनेंस सेक्टर है आने वाले समय में ये मतलब जो काम है, काम जो यहाँ पे काफी ग्रो करने वाली है। फाइनेंस सेक्टर में बेसिकली ये एक एनबीएफसी कंपनी के तौर पे काम करती है और एनबीएफसी का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल हर चीज लोग ईएमआई से खरीदना पसंद करते हैं। और आपको पता है कि जो ईएमआई होता है वो बैंक से ज्यादा आसानी से जो नॉन बैंकिंग कंपनियां होती हैं वो आपको इजिली प्रोवाइड कराती हैं। तो इसमें एक आता है पैन अफ्रीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो में समझेंगे कि इसमें पैसा लगाना सही रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए काम के भाव पे तो सिर्फ पैसा नहीं लगा सकते, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना है तो हमें काम के अलावा कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का टेक्निकल, सारी चीजों को डिस्कस करना होगा। तो सुबह शुरू से करते हैं, अच्छा लगेगा तो इसमें थोड़े बहुत अमाउंट लगा सकते हैं यदि फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस है, नहीं अच्छा लगेगा तो जानकारी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे एक दिन में तकरीबन यहाँ पे आ चुकी है। आज मार्केट क्लोज है, कोई रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ दिनों में इसमें तेजी बनने के आसार हैं। मार्केट कैप बहुत कम है, तकरीबन 8-9 करोड़ का कमी का मार्केट कैप है, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में मार्केट कैप कम ही होता है। हालांकि स्टॉक का पीए भी काफी कमाल का है, पीए 30-40% यानी कि बढ़िया है। इसके वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस अभी ठीक ठाक है, यानी कि इस वैल्यूएशन पर इसमें पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन पैसा कहाँ पर लगाना है उसके लिए हमें देखना होता है कंपनी का टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है चार्ट से, जब यहाँ पर चार्ट देखते तो वहाँ पर समझ में आता है किस समय पर पैसा लगाना सही रहेगा। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ों को हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी ये दोनों माइनस में है। सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, तो पेनी स्टॉक का आरओई और आरओसी देखते हैं आप तो यहाँ पे माइनस में देखते हैं, लेकिन ये माइनस में नहीं है बल्कि प्लस में और तकरीबन 1% से ज़्यादा है। ये काफ़ी बढ़िया बात है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल कर दे ही देगी, आपको ये कंपनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगी। तो ये तो हम लोगों ने अभी कंपनी के जो काम होता है, काम प्लस फंडामेंटल को अभी हम लोगों ने समझा। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें समझना है, अब हमें सिर्फ समझना है कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि चार्ट देखेंगे और चार्ट के माध्यम से पता करेंगे कि आने वाले समय में कंपनी में क्या तेजी बनेगी या नहीं, और यदि बनेगी तो हमें कहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे हम 1 साल के चार्ट पर आ गए हैं, और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस धड़ल्ले से नीचे आ रहा था, लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पे बना डब्लू पैटर्न। जब भी डब्लू पैटर्न बनता है, मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ तेजी आती ही आती है, डब्लू पैटर्न बना, स्टॉक में तेजी आया, प्राइस तकरीबन यहाँ आप देख सकते हैं 80 पैसा से उठ कर तकरीबन 1.5 रुपए के करीब, यानी कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था वहाँ तक आया। और अभी देखेंगे तो प्राइस फिर अपने मतलब जब भी प्राइस थोड़ा बहुत उठता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता है, रेजिस्टेंस के पास जब भी प्राइस जाता है तो रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आया, फिर सपोर्ट लेकर टूटा, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके आया, फिर प्राइस ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे हो गया है, दूसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार में सामान्यतः किसी भी प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलता है। इसलिए मेरे रडार पर ये स्टॉक है, क्योंकि तीसरी बार इसमें अब तेजी बनने जा रही है, और तीसरी बार जो तेजी बनेगी वो बहुत भयंकर तेजी बनेगी, क्योंकि ये एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मेजर रेजिस्टेंस जो है 1.25 रुपए का, इसको इजिली ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद सामान्यतः यहाँ पे जो दूरी आप देख रहे हैं इतना ही दूरी ये ऊपर तय करेगा, यानी कि 1.30 रुपए से यदि ऊपर निकले तो तकरीबन इस कंपनी का शेयर प्राइस 1.80 रुपए या 2 रुपए के लेवल तक भी आपको इजिली जाते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में यदि यहाँ तक आप पैसा बनाना चाहते हैं तो अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ सही समय पर, देखिए अभी यहाँ पे नहीं, जब यहाँ से प्राइस ऊपर उठने लगेगा 1 रुपए के ऊपर निकले तब यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, इससे एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी प्राइस अब ऊपर ही जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो बातें थी मैंने आपको बता दी, कहाँ पे एंट्री लेना है और इसमें चार्ट में तेजी कब आएगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किस वीडियो किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उसको वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।